हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीस किचन में। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे मैंने एक कप गेहूँ के आटे से बनाया है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। झटपट नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, इसे बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। तो इस रेसिपी को हम आपके साथ में शेयर करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा, जो आप लोग डेली यूज़ में रोज़ यूज़ करते हैं, और मैंने 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे सूजी ले ली है इस नाश्ते को एकदम क्रिस्पी करने के लिए। और 1 टीस्पून इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम में अजवाइन डालेंगे ऐसे हाथों से थोड़ा सा रगड़ के, और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें इसमें। और इसमें डाल देंगे ऑयल, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, जो आप खाते हैं वो डाल दीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे पूरी बनाते समय मोइन नहीं लगाते हैं, उसी तरीके से इसमें मोइन लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मोइन लग गया है, ऐसे करने से इकट्ठा हो रहा आटा। और इसे अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गूँथ लेंगे, आटे के डो में इसे हम गूँथ लेंगे, जिस तरीके से आटे का डो बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, सॉफ्ट गूँथना है, थोड़ा सा टाइट ही रखना है इसे। तो देखिए आटा हो गया यहाँ पे रेडी नाश्ते के लिए। तो इसको रख देंगे कवर करके साइड में, और अब तैयार कर लेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरी धनिया लिया है, एकदम सूखा धुल लिया था, एकदम सूखा हरी धनिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। 1 मिर्च डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक, और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दिया है। तो इसको हम चॉप कर लेंगे, चटनी की तरह नहीं पीसेंगे, चॉप करना है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने चॉप कर लिया है, दरदरा ही चॉप किया है, दरदरा ही इसे चॉप करना है। अब इसे निकाल लेंगे एक छोटी से कटोरी में, यानी चटनी बाउल में, और अब ले लेंगे एक बड़ा बाउल, और मैंने लिया यहाँ पे 100 ग्राम पनीर, और पनीर को इस तरीके से मैं कद्दूकस से कस लेंगे। और जो भी मेरे वीडियो को न्यू लोग देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मैंने यहाँ पे पनीर अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और अब इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल देंगे इसमें, और ये डाल देंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये डाल देंगे ऑर्गेनो, ये गार्लिक ऑर्गेनो है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप तभी डालें। और ये डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और इस स्टफिंग को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो इस नाश्ते को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है बनाना, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिएगा इस तरीके से, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये स्टफिंग हो गई है रेडी, और अब लेते हैं आटे का डो, जो मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था। तो आटे का डो को थोड़ा सा और इस तरीके से मसल लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, और इसकी हम 2 लोइयां कट कर लेंगे, बराबर उसमें कट करेंगे, और इन्हें हम गोल शेप दे देंगे, जैसे आप रोटी का लोइयों का गोल शेप देते हैं उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 2 लोइयां रेडी कर ली हैं, और मैंने यहाँ पे सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लिया था, पोंछ लिया था, और उस पे हम इसको बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है, और इस तरीके से इसका हम बेल लेंगे, पतला सा बेलना है, रोटी जैसा ही बेलना है इसको। तो देखिए मैंने इस तरीके से इतना पतला इसको मैंने बेला है, इतना बड़ा बेला है, इसी तरीके से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा भी रेडी कर लिया है, और आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं डस्ट करूँगी सूखा आटा, और इसके ऊपर ये डाल देंगे दोनों एकदम बराबर से, देखेंगे एकदम बराबर है कि नहीं है। और इसके साइड अब हम कट करेंगे, तो कट करना हम बताएंगे इस तरीके से
इस तरीके से चारों तरफ हम इसके साइड को कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ की साइड कट कर दी है। जो ये एक्स्ट्रा आटा निकला है उसको साइड रख देंगे, इसका बाद में हम बेल के बना लेंगे। तो इसको मैं साइड में, एक परत जो है एक साइड में रख देंगे और इस पे हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। मतलब चार शेप में बनाएंगे तो इस तरीके से चारों साइड में अच्छे से पानी लगा देंगे, जिससे ये स्टफिंग रखने के बाद ये चिपक जाए अच्छे से। तो अब इसमें रख देंगे थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग, जितनी आप स्टफिंग रखना चाहते हैं। तो मैं चारों कोनों पे इसी तरीके से स्टफिंग रख देंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इसका चौकोर शेप दिया है। तो ये दूसरी परत भी रोटी की हम रख देंगे ऊपर से, और साइड साइड में हल्का हल्का से उसको प्रेस कर देंगे, यानी लॉक कर देंगे, जिससे ये फटे ना, मतलब बाहर पेस्ट ना निकले, इसलिए मैंने इसमें पानी लगाया था। और अब कट कर देंगे इसको इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया है, और थोड़ा सा फिर से प्रेस कर देंगे। और अब इस पे चाहे आप डिज़ाइन दे दीजिए या फिर से ऐसे ही रखिए, ऐसे में फॉक्सेस को डिज़ाइन दे देंगे और ये अच्छे से लॉक भी हो जाएगा। तो इसका जो पेस्ट है, जो मैंने स्टफिंग की है, वो बाहर नहीं निकलेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। जब इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका जो डिज़ाइन है निखर के आती है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो सारे का हम इसी तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रेडी कर लिया है, और मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। आप जिस ऑयल में करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। और एक एक करके अब इसमें डाल देंगे, ऑयल अच्छे से गरम हो गया था, जितना आ सके उतना हम इसमें डाल देंगे। और एक तरफ जब हो जाएगा तब इसे हम पलट देंगे, पहले इसको पलटेंगे नहीं। तो एक तरफ अच्छे से हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, डीप फ्राई हो जाए, तब एक तरफ इसे हम पलट देंगे। तो एक तरफ हो गया, आप देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे हम एक तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से ये डीप फ्राई हो गया है। तो एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर रेडी है। और ऐसे ही हम सारे फिर से डाल देंगे, और ऐसे हम सारे फिर से निकाल लेंगे उसी प्रोसेस में। जब एक तरफ अच्छे से हो जाए गोल्डन ब्राउन तभी इसको पलटे, वरना फिर थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो देखिए ये भी उसी तरीके से मैंने इसको भी डीप फ्राई कर लिया है। तो ये झटपट नाश्ता, गेहूं के आटे का नाश्ता एकदम झटपट बन के रेडी हो गया है। कितना टेस्टी है। यहाँ पे मैंने मैदा को भी अवॉइड कर दिया है और गेहूं के आटे से इसे मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी सा लग रहा है। तो मैं एक उठा के आपको दिखाती हूँ और इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा बना हुआ है। तो इसे मैं एक फोड़ के दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी क्रिस्पी सा ये नाश्ता बन के रेडी है। तो इसे आप ग्रीन चटनी के साथ में या सॉस के साथ में सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।